जी हाँ, आज जो आप लोगों को यहाँ पर क्लास है, ये काउंसलिंग से रिलेटेड क्लास है कि काउंसलिंग सब लोगों को पता ही होगा कि आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो काउंसलिंग में क्या करना है, कैसे करना है, बहुत सारे ही स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है इसमें, तो इसलिए ज़रूरी होता है कम से कम एक क्लास लेके उसको समझा दिया जाए। तो रजिस्ट्रेशन किया किसी ने अभी तक? यस अच्छा ठीक। देखिए, जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन तो सबको पता ही होगा कि कहाँ पर है। डबल सर। ए ट्रिपल सी की माइक ऑफ रखिएगा, कुछ पूछना हो मैं टाइम दूंगा आपको पूछने का, या बीच में कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो काउंसलिंग है वो कहाँ पर है, वो डबल ए ट्रिपल सी की साइट से ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके अंदर होता ये है कि रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सारी चीज़ जो भी होती है सबको अपना अपना पता ही होगा, तो वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन होगा। उसके अंदर जो सबसे पहली चीज आती है रजिस्ट्रेशन करने में, आपको कौन सी वाली काउंसलिंग करानी है, ये इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कौन सी वाली काउंसलिंग कराने में होता है ये, वहां पर फोर ऑप्शन होते हैं आपके पास। कौन कौन से ऑप्शन, सबने देखा ही होगा कि ऑल इंडिया कोटा होता है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का होता है नेशनल इंस्टीट्यूट, और फिर डीम यूनिवर्सिटी का होता है, और ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड करके होता है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर है कि आपको डीम, जिन लोगों की रैंक ज्यादा है, जो लोग, या फिर ज्यादा नहीं भी है, बहुत सारे लोग प्राइवेट कॉलेजेस को प्रीफर कर लेते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं उनके साथ, या फिर डीम कॉलेजेस को प्रीफर करते हैं। तो अगर किसी को ये ऑप्शन अपने पास रखना है डीम वाला, तो वो डीम वाला करेंगे, साथ में चारों को सिलेक्ट कर लेंगे एक साथ, और जिनको डीम नहीं चाहिए वो बाकी तीन जो ऑप्शंस हैं, ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड, ये तीनों आपको फिल करना है, तीनों पर आपको मार्क करना है, डीम को छोड़ देना है। इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क ये है कि जो आपकी फीस होती है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो क्या कहते हैं कि जो ये है, बाकी के अंदर आपको 22,000, पहले जो हुआ करता था 12,000 होता था, जिसमें से 2,000 आपकी फीस होती थी, 10,000 रिटर्न होता था। इस बार थोड़ा सा इंक्रीज किया है इसको उन्होंने, और ये 22,000 पे गया है, 2,000 जिसमें आपकी फीस है, और 20,000 सिक्योरिटी फीस है जो कि बाद में रिटर्न होगी, ठीक है। तो इसमें आपको ये तीनों सिलेक्ट करने हैं, और जिन लोगों को डीम या प्राइवेट कॉलेजेस भी करना है तो वो जो है डीम को करेंगे। उसके अंदर जो उसकी फीस होती है 55,000 रहती है, जिसमें से 5,000 उनका फीस होती है और 50,000 रिटर्न होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप सबको? जी आवाज सर, आ जी रही है ना मेरी? सर, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो स्टेप आता है, रजिस्ट्रेशन तो इजी होगा, उसमें कुछ ऐसी चीज तो नहीं होगी ना जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रही हो। एक ये चीज होती है जो समझ में नहीं आती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अगर है तो पूछ लीजिए, फिर इस स्टेप से आगे बढ़ेंगे हम। न्यू रजिस्ट्रेशन। हाँ बोलिए। वालेकुम सर न्यू सलाम। रजिस्ट्रेशन करना है सर। हाँ, न्यू रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन मतलब उसी आईडी से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जो आईडी आपने पहले बनाई थी, वो रोल नंबर वगैरह सेम ही रहता है सब कुछ, ठीक है। उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी नहीं ही लग रहा होगा कुछ, बस आपको अपनी जो क्या कहते हैं, कौन से आपको किस कैटेगरी में जाना है, कौन सा वाला एडमिशन लेना है, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पर तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए, फॉर्म फिल करने में। इसके अलावा जी सर, ये
जो सिक्योरिटी मनी है ये कितने दिन में वापस हो जाती है? सिक्योरिटी मनी वो तो 4-5 महीने 6 महीने भी लग जाते हैं उसमें। ओके हाँ ठीक है, तो इस चीज में खास ख्याल रखिएगा। हाँ मुझे तो क्या गुलिस्ता कुछ कह रही हो? हाँ बोलो। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की थी, मिस हो गया, पहले की चीजें मिस हो गई, मुझे समझ में नहीं आया क्लास, कैसे करना। हाँ क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है अभी तक। बस मैंने इतना बताया है कि जो आप काउंसलिंग करेंगे उसके अंदर और क्या कहते हैं ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड, ये तीनों सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है, तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग। और अगर किसी की ज्यादा रैंक है तो मतलब 400 में, 350+ इस तरह से, या फिर किसी को अच्छी रैंक पर भी प्राइवेट कॉलेजेस या डीम लेना है तो डीम उनको सिलेक्ट करना है, वरना नहीं करना है, क्योंकि डीम की फीस ज्यादा है। बाकी जो है इन तीनों में आपको 22,000 होगा। यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा क्योंकि अगर आपने एक भी कॉलेज इसमें से सिलेक्ट नहीं किया ऑल इंडिया कोटा या फिर सेंट्रल, तो फिर आपको इतने ही कॉलेज का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। मान लीजिए आपने सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूट ले लिया, ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट लिया तो अब आपको जितने अदर कॉलेजेस हैं, मान लीजिए DU है, फिर और उसके अलावा हैं वो, या फिर स्टेट के जो कॉलेजेस हैं वो सब आपको नहीं शो होंगे, ओनली नेशनल इंस्टीट्यूट आपकी चॉइस फिलिंग में आएगा। इसलिए तीनों को सिलेक्ट करना सब लोग। जी, इसके बाद जो ऑप्शन सर एक आता बार है, फिर से रिपीट कर दीजिए, मैंने अभी ज्वाइन किया था। हाँ मैंने बोला कि बस अभी मैंने सिर्फ इतना बताया है कि तीन चीजें हैं ऑल इंडिया कोटा और क्या कहते हैं सेंट्रल या नेशनल इंस्टीट्यूट और ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड करके जो ऑप्शन है ये तीन आपको सिलेक्ट करने हैं, इसके अलावा नहीं करना है, ठीक है। बस अभी मैंने बाकी क्या कहते हैं क्लास जो है रिकॉर्ड हो रही है, और इसके अलावा कभी भी पूरी काउंसलिंग मैं हूँ, मुझसे पूछो कुछ भी करना हो मुझसे जरूर पूछिए, ठीक है, मैं बता दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद बात आती है चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है आपका, जिसको जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चॉइस फिलिंग कैसे करना होता है, क्या करना होता है, जो चॉइस फिलिंग वो मेनली तो ज्यादा जो होता है वो इससे पता चलता है कि आपके पास अभी ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्योंकि सीट मैट्रिक्स नहीं आई है अभी तक। तो सीट मैट्रिक्स अगर आ जाती है तो फिर आइडिया होता है, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिपार्टमेंट या फिर बहुत सारे कॉलेजेस नहीं भी आएंगे, कम ही कॉलेजेस आते हैं फर्स्ट राउंड में, फिर धीरे धीरे करके वो कॉलेजेस बढ़ते हैं। जैसे कि अभी बैंगलोर नहीं है शायद से, अभी तक आया कि नहीं आया वो सीट मैट्रिक्स में पता चलेगा। बैंगलोर हो सकता है आपको सेकेंड राउंड में दिखाई दे, और हो सकता है आ भी जाए कल, मेरे ख्याल से आ ही जाएगा, उम्मीद ये है कि फर्स्ट राउंड में ही आ जाएगा। तो चॉइस फिलिंग के लिए होता यह है कि जिन लोगों की रैंक अच्छी है और लोग वो लोग कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज जो आपके लिए होती है वो आपका इंटरेस्ट होता है, कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो सब्जेक्ट सारे इक्वल ही होते हैं, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सब्जेक्ट में पीजी कर रहे हैं। हाँ ये है कि एक चीज जो मैं मानता हूँ, ये मानता हूँ कि आपको सेचुरेशन जरूर देखना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में सेचुरेशन ज्यादा है किस में कम है। बाकी यूनानी में पीजी करना है, सारे सब्जेक्ट इक्वल ही होते हैं तकरीबन, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल इतना कोई मायने नहीं रखता है। पीजी पीजी जब तक हम एडमिशन नहीं लेते हैं जब तक ही हम सोच रहे होते हैं उस चीज को कि क्लिनिकल लेना है, नॉक सब लोग ज्यादातर क्लिनिकल ही लेना चाहते हैं, लेकिन पीजी में आने के बाद इतना कोई सब लोग इक्वल ही होते हैं, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है उससे। हाँ इस चीज का जरूर ख्याल रखिए कि सेचुरेशन किस में कम है किस में ज्यादा है, इस चीज को देख के आप लोग फैसला करें तो बेस्ट होगा। अगर आप लोगों का प्लान ये है कि आपको एकेडमिक का रास्ता खोल के रखना है अपने लिए, एकेडमिक में जाने का प्लान है, और अगर आपका प्लान सिर्फ ये करने का है कि आप आगे जाके अपना सेटअप खोलने वाले हैं, कुछ और इस तरह का प्लान है, तो फिर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको जहाँ पर स्टाइपेंड ज्यादा मिले वहां ले लीजिए पीजी, आपको नाम के आगे पीजी ही लगाना है।
तो वो लग जाएगा। बाकी जहां पर स्टाइपेंड ज्यादा हो वो लोग अच्छा से अच्छा सेटअप जिसको खोलना हो, जिसका जो अपने प्लान में कंफर्म है कि हाँ मुझे क्लिनिक ही करना है, एकेडमिक नहीं जाना, तो फिर जहां पर स्टाइपेंड मिले वो आप करिए और वो वही बेस्ट रहेगा उसमें। बाकी जिन लोगों का प्लान कहीं ना कहीं एकेडमिक में जाने का होता है तो वहां पर दो चीजें आती हैं, एक तो क्लिनिकल सब्जेक्ट होता है कि आप लोग क्लिनिकल जो नहीं क्लिनिकल सब्जेक्ट नहीं, एक उसमें ये होता है कि आप किस डिपार्टमेंट को प्रीफर कर रहे हैं, तो वहां पर आपको सेचुरेशंस देखना है कि किस डिपार्टमेंट में सेचुरेशन ज्यादा, फॉर जैसे कि मुआलजात है, अदविया है, या फिर टीएसटी है, तो इस तरह के जो डिपार्टमेंट है काफी पुराने डिपार्टमेंट है और जमाने से 40-50 साल से चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि आप कभी भी एकेडमिक के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहां पर एक सीट निकलेगी, एक सीट में आपके 50 से ज्यादा कैंडिडेट वहां पर खड़े हुए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर एक प्रॉब्लम होती है सिर्फ सेचुरेशन की वजह से, क्योंकि इतने ज्यादा पीजी वहां से निकल चुके हैं उस डिपार्टमेंट के। बाकी आपका अपना इंटरेस्ट मैटर करता है कि किस सब्जेक्ट का वही करना है, कि हाँ कोई बात नहीं हमें करना है, हमें इंटरेस्ट है तो ठीक है, जरूर करिए उसको। उसके बाद दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट होती है इसके अंदर वो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि आपको हमें एकेडमिक में जाने का प्लान है, आगे से अच्छे से स्टडी करनी है, तो स्टडी तो देखिए कहाँ पर सिर्फ जो सिर्फ कहिए या फिर ये कह लीजिए कि जो होती है वो NIUM में ही होती है, ज्यादा जो अदर कॉलेजेस हैं उसमें इतना ज्यादा नहीं है स्टडी वगैरह का। हाँ ये कि स्टाइपेंड वगैरह मिलता है, ज्यादा मिलता है नेशनल NIUM में, ये है कि थोड़ी सी स्टाइपेंड कम है लेकिन स्टडी रहती है। बाकी जगह पर यह है कि स्टाइपेंड ज्यादा है लेकिन स्टडी इतनी प्रॉपर तरीके से चीजें नहीं मिल पाती हैं जैसा होना चाहिए पीजी। तो वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप किस चीज से स्टाइपेंड से कंप्रोमाइज कर सकते हैं, तो आपको NIUM लीजिए, नहीं कर सकते तो बस तो फिर आपको वो कॉलेज जहाँ पर स्टाइपेंड ज्यादा हो वो करिए। बाकी पीजी यहाँ पर भी चाहे वो NIU हो चाहे दूसरा कोई कॉलेज हो, MD तो लग ही जाना है। फिर एक सीक्वेंस होता है कि आप किस सीक्वेंस में चीजों को रख रहे हैं, तो सीक्वेंस तो कोई मैटर नहीं करता उन लोगों के लिए जिनके रैंक अच्छी आई हुई है। अगर आप ये मान लीजिए कि अंडर 100 है, अंडर 50 है, तो फिर आपके लिए सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप तकरीबन जो चाहेंगे वो मिल ही जाएगा, डिपार्टमेंट तो मिल ही जाएगा। वो कॉलेज मान लीजिए कि 15-20 में है, 25 में है, तो हो सकता है कि लोग चाहें कि MU करोल बाग मिल जाए, वो ना मिले, लेकिन वो डिपार्टमेंट आप जहाँ भी चाहेंगे वो डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो जो आपकी फर्स्ट प्रिफरेंस है उसको आप फर्स्ट पर रखने वाले हैं, और फिर जो सेकेंड चॉइस है उसकी एक लिस्ट अपने आप से आप लोग खुद भी तैयार कर लीजिएगा, और उस लिस्ट को बनाकर चाहे मुझे भेज दीजिएगा, चाहे मुझे बता दीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, उसमें जो भी चेंजेस करने होंगे मैं बता दूंगा, क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट को यहाँ पर गिनवाना और उसको बताना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हाँ ये है कि जो हम सीक्वेंस लगाते हैं, बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि जो कॉलेज हमें नहीं मिलना है उसको हम क्यों ही डालें, तो ऐसा नहीं करना होता। आप लोगों को डालने में आपके पास चॉइस टोटल है, जितनी भी चॉइस होंगी वो सारी आप फिल कर सकते हैं, तो फिल करने में तो पैसा लगता नहीं है, कितना भी फिल करो। तो एक सीक्वेंस आप बनाकर मान लीजिए कि आप करोल बाग से MU से स्टार्ट कर दें उस सीक्वेंस को, और फिर उसके बाद वो आप धीरे धीरे जैसे आपका वो है, हाँ जिस सब्जेक्ट की आपको उम्मीद है कि ये वाला सब्जेक्ट मुझे मिल सकता है इजिली, तो उस सब्जेक्ट को वहां पर आप डालिए। यानी कि जो चीज आपको लग रही, मान लीजिए कि आप रैंक 70 है, 80 है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि MU करोल बाग थोड़ा सा मुश्किल है, नहीं मिल पाएगा, और हो सकता है मिल भी जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि नहीं ही मिलना है। तो डालना इसलिए होता है कि किस्मत का कभी कुछ नहीं पता, कब मिल जाए कब क्या हो जाए, जैसे कि अभी 2 साल पहले का ही था, करोल बाग कभी नहीं मिलता 50 पर, लेकिन 2 साल पहले हमारा ही एक स्टूडेंट था, उसको 50 पर करोल बाग मिला है, और वो क्या कहते हैं, खैर किस्मत थी, मिल गया। तो क्या कहते हैं, वो आपको डालने से नहीं घबराना है, फिल करने से जो भी आपकी चॉइस है उसको सबसे ऊपर मान लीजिए MU रखिए, उसके बाद करोल बाग है, ये रखकर फिर आप उस सब्जेक्ट पर आ जाइए जो आप चाह रहे हैं कि हाँ ये वाला मुझे मिल सकता है और ये वाला मुझे चाहिए।
जैसे मैंने बताया कि क्या कहते हैं आपकी रैंक फॉर एग्जांपल 70 है, अब आपको चाहिए गायनी चाहिए, मान लीजिए क्या कहते हैं गायनी कहाँ पर आपको मिल जाएगा NIOM में, मुझे लगता है 70 पर गायनी आराम से मिल जाएगा। तो वो सारी चॉइस फिलिंग जो आपको क्या कहते हैं नहीं मिलने हाँ वाली उनको हाँ ऊपर हाँ मेरा सोच चिल्लाया था, भूखे ला रहे बोले सारे लोग, माइक बजे 7-10 बजे आ रहे हैं। माइक बंद रखिए। जी, तो उसके जस्ट बाद आपको कौन सा वो डिपार्टमेंट डालना है जो आपको चाहिए और आपको उम्मीद है कि हाँ ये वाला मुझे मिल जाएगा आराम से, ठीक है। या अगर आपने उससे ऊपर कोई दूसरा डिपार्टमेंट डाल दिया है जो मतलब आप नहीं भी चाह रहे थे या फिर उससे थोड़ा कम उसका डिपार्टमेंट था, तो वो अगर फिर आपको वो नहीं मिलने वाला जो आपने सिक्वेंस लगाया हुआ है जो आप चाह रहे थे, तो सिक्वेंस का सबसे ज्यादा ख्याल रखना होता है काउंसलिंग में कि आपने किस सीक्वेंस में डिपार्टमेंट्स डाले हुए हैं। तो उसमें आप जब भी वो सीक्वेंस आप डालेंगे तो चाहे तो आप एक बार रीचेक करा लीजिएगा, बता दीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, लेकिन उसको पूछ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करता है सीक्वेंस आपका। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी रैंक आई भी होती है, जैसे कि पिछले साल ही 2 स्टूडेंट्स थे 200 के अंदर रैंक थी और सिर्फ सीक्वेंस के गड़बड़ होने की वजह से उन्होंने नहीं पूछा था और सीक्वेंस के गड़बड़ होने की वजह से कॉलेज नहीं मिला और फिर दोबारा से पीजी करना पड़ा, वो तैयारी दोबारा से उन लोगों को करनी पड़ी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ा सा उस चीज को ध्यान में रख के आप किस सीक्वेंस में कर रहे हैं। जबकि जो पिछले साल जो एडमिशन हुए थे वो अच्छे कॉलेज में NIOM में ही 250 तक भी 240 रैंक तक एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा चॉइस फिलिंग का। बाकी इसके अलावा ऐसा तो कोई वो नहीं है, किसी को जो भी डाउट्स हो वो पूछ लीजिए आप लोग, जहां पर जिसको जो भी डाउट हो रहा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ज्यादा जवाब दे पाऊंगा। सर, अगर किसी हमें सिर्फ NIOM ही जाना है, फिर हम बाकी कॉलेजेस डालेंगे तो फिर वो मिल गया तो कैसे करें सर? मैंने वही बताया, अगर आपको NIOM ही जाना है तो बाकी कॉलेजेस आप डालेंगे वो मिल गया तो, अगर आप बिल्कुल कंफर्म है कि आपको NIOM के अलावा कुछ लेना ही नहीं है, जैसे घर से बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं तो क्या कहते हैं उसमें दो चीजें होती हैं। देखिए, एक तो ये होता है कि जो आपको कॉलेज मिलने वाला, अगर आपको AMU मान लीजिए कि आपने उससे ऊपर AMU डाल दिया है, करोल बाग डाल दिया, ठीक है, और आपको वो नहीं मिलना था लेकिन मिल गया, तो वहां पर दो चीजें हैं, आपको वो डिपार्टमेंट तो आपको मिल ही जाएगा सेकेंड राउंड में भी, उम्मीद ये है कि ज्यादातर 90% मिल जाता है दोबारा वही डिपार्टमेंट जो आप चाह रहे थे, ठीक है, या फिर वो कॉलेज आपको मिल जाता है। दूसरा ये कि एक चीज इसमें ये होती है जो लोग चाहते हैं कि हाँ हमने कि जो ऊपर की सीट हमें मिली हुई थी हम छोड़ के आए हैं, एक लोग ये भी कहना चाहते हैं जो एक लोगों का माइंड होता है, अगर ये वाला माइंड करना है ना तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल कंफर्म हैं कि हाँ कुछ घर से वो है कि नहीं बैंक क्या कहते हैं NIOM ही लेना है, तो फिर वो डायरेक्ट NIOM ही डाल दिए अगर आपका, लेकिन वो लोग कि जिनको जो लोग ले सकते हैं अदर कॉलेजेस ऊपर के कॉलेजेस तो उनको डालना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा है कि आपको बैंगलोर ही लेना है तो बस वही डालिए, उसके अलावा मत डालिए फिर, ठीक है। हाँ सर, डिपार्टमेंट्स मतलब सारे ही डालने हैं या जो डिजायर्ड है वही, अगर NIOM ही डाल रहे हैं तो? मतलब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सारे डिपार्टमेंट डाल दीजिए, वो नहीं तो ये मतलब ऐसा होता है कि जो आपकी रैंक है उस पर मैटर करता है कि आपको कितने डिपार्टमेंट मिलने हैं, ठीक है। कितना रैंक है तुम्हारी, 124 है ना? हाँ सर, हाँ, तो 124 रैंक पर आपको जो क्या कि मिलने वाला NIOM में आप डालेंगे तो उम्मीद है कि क्लिनिकल भी मिल जाएगा, लेकिन क्लिनिकल का सीक्वेंस डालकर नॉन क्लिनिकल के भी टोटल सब्जेक्ट डालने पड़ेंगे वहां पर, और सब्जेक्ट में भी वो सब्जेक्ट जो आप सीक्वेंस लगाना चाह रहे हैं कि सबसे ऊपर कौन सा, उसके ऊपर कौन सा, उसके ऊपर सबसे लो में आप किसको रखेंगे, तो वो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपको उम्मीद है कि आप 50-50 पर हैं, क्लिनिकल भी मिल सकता है नॉन क्लिनिकल भी, लेकिन उम्मीद ये है कि ज्यादा उम्मीद किंतु क्लिनिकल मिल जाएगा इस साल, ठीक है। तो वो सीक्वेंस जब बिल्कुल लगाओगे तो मुझे बता देना एक बार, मैं उसको बोल दूंगा। हाँ।
और किसी का कोई डाउट? सर ये जो कॉलेज और सब्जेक्ट दोनों की अलग अलग करना पड़ेगा कि दोनों एक साथ ही है क्या? मतलब कॉलेज और सब्जेक्ट, समझा नहीं मैं। कॉलेज के साथ में हो जाती है कि ये जो आपने सीक्वेंस वगैरह बताई है मतलब हाँ जो हाँ भी? कॉलेज के साथ ही सब्जेक्ट लगता है, वहाँ पर अच्छा लिखा हुआ सब कुछ आएगा कि ओके किस सर। कॉलेज का कौन सा डिपार्टमेंट आपको चाहिए, उस सीक्वेंस वो कॉलेज के अकॉर्डिंग ही लगेगा वो। ठीक है। सर जैसे फर्स्ट लिस्ट में किसी का नाम आ गया और उसको वो कॉलेज नहीं हाँ चाहिए, तो हाँ हाँ उसको ऐसे अपग्रेड और फ्री एग्जिट का क्या रहेगा? वहां पे जाके एडमिशन लेना रहेगा या फिर घर पे बैठे बैठे ही अपना मतलब अपग्रेड करवा सकते हाँ हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। ये देखिए, इसके अंदर होता ये है कि दोनों चीजें होती हैं। अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया है तो, और आप नहीं चाह रहे हैं वहां पर लेना, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। फ्री एग्जिट का ऑप्शन होता है सेकेंड राउंड तक। फर्स्ट राउंड में भी फ्री एग्जिट कर सकते हैं, सेकेंड राउंड में भी आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। अब ये तो सर वो आपके ऊपर सिक्योरिटी है। मनी वापस आएगी क्या? सिक्योरिटी मनी सेकेंड राउंड तक वापस आती है। ओके okay. हाँ आप एडमिशन तो लेंगे ही ना, सेकेंड राउंड तक तो आता है। लेकिन इस बार का क्या है, सुनने में कुछ ऐसा आ रहा है कि नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जो हमेशा से अब तक है कि सेकेंड राउंड तक अगर आपने उसको छोड़ा हुआ है तो सिक्योरिटी मनी वापस आ जाती है। आप थर्ड राउंड में जाकर अगर आपने वो लेकर नहीं छोड़ दिया है तो फिर उस जब नहीं आती है। सर मेरा टू ठीक है, फोर्टी रैंक है ऑल इंडिया, तो सर उसके बारे में बता दें कहाँ पे मिल सकता है, क्या फिल करें हम? 240। जी सर। हाँ मैं बता देता हूँ, ये वाला मैं कोई पूरा आंसर कर दूँ। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि आपको क्या कहते हैं, आप फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट कर सकते हैं। फ्री एग्जिट का मतलब कि आपने घर बैठे उसको छोड़ दिया डिपार्टमेंट को, अगली बार आप दोबारा से चॉइस फिलिंग करेंगे घर से ही, और फिर वो सिक्वेंस दोबारा से आप डाल देंगे। फिर अगर आपको मिलता है डिपार्टमेंट तो आप लीजिए और उसकी बुक। और दूसरा ये होता है कि बहुत सारे लोग उसको सिक्योर कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको मिला है कुछ भी, कोई भी डिपार्टमेंट आपको मिल गया, आपने कॉलेज जाकर वहां पर एडमिशन ले लिया है, ठीक है, तो अब ये सीट आपकी सिक्योर हो गई, ये आपके पास ही रहेगी जब तक आप फिर आप नेक्स्ट राउंड में जाकर उसको अपग्रेड करेंगे कि मुझे ये नहीं इसके अलावा दूसरी सीट चाहिए, तो दोबारा से चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं। आप डायरेक्टली उसको छोड़ सकते हैं उस सीट को, और दूसरा ये भी होता है कि आप उसको अपग्रेडेशन में डाल सकते हैं जब आप कॉलेज जाएंगे। कॉलेज जाने पे इस चीज का ख्याल रखिएगा कि अपग्रेड कराना है, उनको बोल के कराना होता है कि अपग्रेडेशन में डालना है। ठीक सर है, और वो अपग्रेड पूछेंगे होके आपसे हमें हमेशा जो 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 भी। सीट मिली है और अगर हमें वो पसंद नहीं हाँ आ रही, हम पहली वाली ही लेना चाह रहे हैं फिर? फिर थर्ड राउंड का ऑप्शन आएगा। नहीं सर, जो हमें फर्स्ट राउंड में माने अलॉट हुई, हमने कॉलेज में जाके अपग्रेडेशन डाल दिया और सेकंड में हमें पसंद नहीं आई, हाँ जो हमें पहली सेकंड वाली राउंड लेना में चाह रहे मिली। हैं, अब नहीं है, नहीं नहीं अच्छा अब नहीं सेकंड हो नहीं पाएगा मिलेगी, जो वो। सेकंड ओके जो जो अपग्रेड हुई है वो आपकी ही मिल सीट थी पाएगी। वो किसी और को दी जा, हाँ जो आपकी सीट थी वो किसी और को मिलेगी जब आपका अपग्रेडेशन होगा, तो वो जिसके हाथ में चली गई वो सीट। तो सर ठीक है, दूसरा। फ्री हाँ अपग्रेडेशन में बोलो क्या डिफरेंस रहेगा, क्या चीज। मतलब फ्री एग्जिट में और अपग्रेडेशन में क्या फर्क रहेगा? जैसे इसमें तो हम फीस वगैरह फ्री भर के कर। एग्जिट, हाँ फ्री एग्जिट और अपग्रेडेशन में फर्क ये होता है, फ्री एग्जिट में आपको आना नहीं पड़ेगा कॉलेज। ठीक है, दूसरा ये कि आपको अपग्रेड क्या कहते हैं जो ये है फीस वगैरह, आपका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, ये फर्क है। और जो अपग्रेडेशन अगर आप करा रहे हैं, एडमिशन लेने के बाद अपग्रेडेशन होता है, तो वहां पर आप कॉलेज आएंगे और उसके साथ आपकी फीस भी सबमिट हो जाएगी, एडमिशन भी हो जाएगा उसमें। ठीक है, बस वो अपग्रेडेशन का एक मरहला बचा रहेगा। उसमें थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है बहुत बार कि आपने एडमिशन ले लिया, फिर दोबारा से आपको एडमिशन कैंसिल, मान लीजिए कॉलेज आपने चेंज कर दिया, तो अब दोबारा से आपको एडमिशन कैंसिल कराने आना पड़ेगा, जो फीस होगी वो कुछ दिन बाद वापस आएगी, तो वो चीजें थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाती हैं कभी कभी। सर 240 रैंक तक बता दीजिए। सर हाँ 240 रैंक पर आपका स्टेट कौन सा है? यूपी। यूपी। ओके, प्लान में क्या क्या है?
सर अभी तो देखिए आप बताइए, क्योंकि कुछ भी नहीं पता अभी तो मुझे। मतलब कोई भी कॉलेज जा सकते हैं, सर बैंगलोर या सिर्फ फिर दूसरे? नहीं, सर सिर्फ यूपी में ही, मतलब जो NIUM है और लखनऊ और इलाहाबाद, बस ये ही तीन जा सकते हैं, इससे आगे अच्छा नहीं। ठीक है। देखिए इसमें ये है कि 240 पर उम्मीद ये है कि आपको बेंगलोर का तो मिल ही जाएगा, वो तो कंफर्म है, क्योंकि ज़्यादा लोग अभी इधर नहीं आएंगे, ज़्यादातर लोग गाज़ियाबाद जाएंगे, ठीक है, अगर वो सीट्स आती हैं। और उसके अलावा आप ये भी मान के चलिए कि लखनऊ और इलाहाबाद स्टेट में आपको मिल जाएगा आराम से, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट की ज़्यादा उम्मीद रहेगी, लेकिन मिल जाएगा। तो अच्छा तो सर, मुझे किससे लेकिन करना चाहिए? तो लेकिन आप काउंसलिंग दोनों ही कराइए, ऑल इंडिया भी कराइए और स्टेट भी कराइए, ठीक अच्छा है। सर, NIM गाजियाबाद का नहीं मिल सकता? मिल सकता है, लेकिन थोड़ी उम्मीद कम रहेगी उधर, क्योंकि तो लोग अच्छा ज़्यादा, काफ़ी लोग जो यूपी से इधर बेंगलोर आते थे वो सब उधर ही जाएंगे, लेकिन मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं ही मिलेगा, अच्छा मतलब सर अभी ठीक फिल कर सकते फर्स्ट राउंड में? है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चॉइस फिलिंग तो अच्छा आप सर, करिए ही, दोनों करिए, बल्कि मैं कहूंगा लास्ट में आप बेंगलोर को भी डाल दिएगा सबसे लास्ट में जाकर। दूर नहीं जा सकते, सिर्फ यूपी में ही रह सकते हैं। अच्छा ठीक है। होता यह है कि जब हम चॉइस फिलिंग कर रहे होते हैं तो एक जी ऑप्शन हमारे पास रहते हैं कि हम नहीं कर सकते, लेकिन जब एडमिशन हो जाता है तो फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो तो आप बाद में उसको चेंज कर लेंगे सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, अभी तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये है कि फर्स्ट राउंड में 240 तक जाएगा भी नहीं, जो 240 का नंबर आएगा वो सेकेंड और थर्ड तक आएगा, अच्छा ओके ओके सर। सर एक तो सवाल उसको और और था चीज़ें बस। पता चल। हाँ बोलो। सर मेरा ना एक्चुअली रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है अभी तक, हाँ, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं है मेरे पास, तो क्या हो सकता है? रजिस्ट्रेशन कौन सा, यूपी का? जी जी यूपी रजिस्ट्रेशन तो अच्छा ठीक है, तो उसमें 20 साल कोई तो इशू हो गया नहीं है था, लेकिन अगर, ये नहीं हाँ प्रोविजनल से काम चल, इसी साल का एडमिशन वो है, फाइनल हुआ। जी सर, ये इंटर्नशिप इसी साल हुआ है। नहीं नहीं सर, अगले हुआ था मतलब अभी हो गए सर, 8 महीने करीब हो गए, लेकिन सर कॉलेज में कुछ मसला चल रहा था, इस वजह से हो नहीं पाया। मतलब जी 8 महीने का मतलब वो जो पिछला जो पीजी का एग्जाम हुआ है उसके बाद हुआ है ना कंप्लीट? जी जी हाँ तो ठीक है, उसमें वो टाइम देते हैं, अगर आपका इसी साल का कंप्लीशन है तो वो टाइम दे देंगे, कोशिश कर लीजिए कि हो जाए, निकल जाए वो, लेकिन जी क्या जी कहते हैं वो प्रोविजनल से भी काम चल जाता है, बाकी अगर अच्छा जिनका गैप है तो उन लोगों को वो जरूरी होता है। अच्छा ओके सर, बताइए कोई और डाउट किसी का? जी सर, हाँ बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि अगर हम दिल्ली से हैं और हमें अगर स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और ऑल इंडिया कोटा से लेना है, तो फिर हाँ सर उसके लिए हमें डोमिसाइल वगैरह तो नहीं चाहिए होगा, लेकिन अब हमें क्या माइग्रेशन का देना पड़ेगा वहाँ पे? कितना रैंक है आपका? 55। 55। तो 55 पर मतलब कौन सा स्टेट चाहिए, जैसे कौन सा सर मुझे कॉलेज? अगर मैं इलाहाबाद सोच रही हूँ, मैं इलाहाबाद जाने का, तो उसमें अगर मुझे ऑल इंडिया कोटा से लेना है एडमिशन, तो हाँ माइग्रेशन ऑल का इंडिया भी देना कोटे से मिल पड़ेगा? जाएगा, हाँ मतलब सर, माइग्रेशन माइग्रेशन नहीं। का नहीं हाँ चलेगा माइग्रेशन तो मतलब? लगता है ना, कॉलेज का माइग्रेशन लगता है। अच्छा मतलब जैसे DU से मुझे माइग्रेशन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अगर मुझे हाँ वहां पे हाँ एडमिशन लेना है नहीं तो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अगर नेशनल इंस्टीट्यूट्स में लेना है तो उसमें जरूरी नहीं है माइग्रेशन? नहीं डिस्चार्ज माइग्रेशन हर जगह जरूरी है, कहीं पे कभी लेंगे आप, शायद। ओके ठीक है। माइग्रेशन तो मिल जाता सर, है आराम से, सर्टिफिकेट उसमें क्या बाद में भी इशू है। सबमिट कर सकते हैं? जी सर, ठीक हाँ सर्टिफिकेट बाद में, है सर। TC जो रहता है वो अभी सबमिट करना रहेगा हाँ या बाद में? वही आपका गैप नहीं है ना, तो आपको जो टाइम दे देंगे वो लोग, बाकी अच्छा, वो और सर मांगेंगे तो अगर उसी वक्त, गैप लेकिन रहा थोड़ा बहुत तो? हाँ तो ज़रूरी होता है वो, अच्छा, ठीक बाकी है सर। कॉलेजेस के ऊपर होता है वो टाइम दे दें अलग बात है, लेकिन देते नहीं है, जैसे अच्छा बेंगलोर अच्छा वगैरह में NIUM में तो नहीं ही देते हैं, यूपी के कॉलेजेस में थोड़ा सा वो लोग रियायत कर देते हैं। अच्छा अच्छा ओके सर। सर टुमकुर हाँ में एजुकेशन हुआ है UG, अगर PG बैंगलोर में करना है तो माइग्रेशन लेना है सर? माइग्रेशन चाहिए तुम्हारा, क्या जी कहते हैं का यो? अच्छा नहीं तुम्हें माइग्रेशन नहीं चाहिए होगा, यूनिवर्सिटी सेम है ना?
हाँ, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है। हाँ तो फिर नहीं चाहिए होगा। ओके सर, ठीक। हेलो हाँ जी हेलो सर, बताइए। हाँ फर्स्ट राउंड में प्री एग्जिट ले लेंगे तो सेकेंड राउंड में वापस से रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होगी। नहीं, रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना होगा और फीस वगैरह भी दोबारा नहीं सबमिट करनी है, ओनली चॉइस फिलिंग करना है। हाँ ओके सर, सर कुछ और डाउट्स किसी को बोलिए। हाँ सर अगर सीट सिक्योर कर लेते हैं, मतलब एडमिशन वगैरह ले लेते हैं, तो अगर उसके बाद अपग्रेड में डालो तो और उसमें जो सीट हमें मिल रही है वो हमें नहीं चाहिए, तो हम वो जो सिक्योर की हुई उस पर कंटिन्यू हो सकते हैं ना? नहीं, वो मैंने बताया ना अभी, उस पर कंटिन्यू नहीं हो सकते। वो सीट आपके हाथ से चली गई, अगर दोबारा से वही सीट चाहिए तो थर्ड राउंड में दोबारा से ट्राई नहीं करिए। तो सर, सर आपने कहा ना कि वो एडमिशन ले लेते हैं तो मतलब होता नहीं है फिर वो जो हम एडमिशन अगर ले आपने लेते हैं। एडमिशन ले लिया है तो आप अपग्रेड कराएंगे सेकंड राउंड में, ठीक है। अच्छा, एडमिशन अब जो अब फिर अपग्रेड जो हुआ, तो अब जो अपग्रेडेशन में आपको सीट मिली है उस पर आपका एडमिशन हो चुका है सेकंड राउंड में, ठीक है। और जो आपकी वाली सीट थी वो किसी और को, ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं चाहिए होगी। वो क्या कहते हैं, जो सीट आपको सेकंड राउंड में अलॉट हुई है तो वो सीट आपको, आप वो सीटें डालेंगे जो उससे ऊपर की सीट्स होंगी। मान लीजिए कि आपको क्या बोलते हैं, ये कोई नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट मिला है, ठीक है, आपका मान लीजिए कुल्लियात है, कुल्लियात आपको बेंगलोर का मिल गया है। अब कुल्लिया जो आपने रखा हुआ था, इससे अगर आपको नॉन क्लिनिकल में कोई और सब्जेक्ट पसंद है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद है तो आप सीधा जो क्लिनिकल वाली सीट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं सिर्फ क्लिनिकल सब्जेक्ट डालेंगे, ठीक है। मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो नहीं, इससे नीचे के लोअर के सब्जेक्ट आप नहीं डालेंगे वहां पर। तो उसमें पसंद नापसंद का कोई वही नहीं होता, आपको ही चॉइस फिलिंग करनी है, जो पसंद होगा बस उसी को फिल करना है, ठीक सर एनआईएम है। गाजीआबाद में स्टिपेंड कितने होगा? स्टाइपेंड ये मेरे ख्याल से 64-65 से स्टार्ट होगा, सिक्सटी सर फोर से तो ही जैसे स्टार्ट मेरा होगा। 240 है तो सर क्लिनिकल कहीं पे भी यूपी में या एनआईयूएम में मिलने का चांस है? हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, तो सर मैं कुछ यूपी कैटेगरी है? कर हाँ लूँ और सेंट्रल में भी? कैटेगरी है आपकी, नहीं सर, सर जनरल। जनरल है, तो मतलब ये है कि 90% मान के चलो कि मिल ही जाएगा। अच्छा, तो सर यूपी में ज्यादा सर चांस रहेंगे या मुझे ऑल इंडिया में ज्यादा प्रेफर करना चाहिए? नहीं, सेकेंड राउंड तक तो ऑल इंडिया करो, उसके बाद जी फिर जी वो एक सारी कंडीशंस पता चल जाएंगी, कितने लोगों ने लिया, कितना एडमिशन कंफर्म, तो फिर उसके जी बाद वो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, यूपी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे उम्मीद है कि मिल जाएगा यूपी, लेकिन अच्छा ये है कि अच्छा जनरल वाला मैटर है थोड़ा सा, तो ये थोड़ा मुश्किल है। तब भी आप अच्छा 90% मान के चलिए एडमिशन। जी। हाँ सर अगर एएमयू में अगर एडमिशन लेना है तो सर स्टाइपेंड कितने सीटों पर है अभी फिलहाल? स्टाइपेंड, ये जो मुझे खबरें मिली हैं वो ये है कि यूएमयू एडमिशन वो स्टाइपेंड आ चुकी है, लेकिन जब तक अकाउंट में ना आ जाए तो मैं तो कंफर्म तौर पर नहीं कह पाऊंगा कि हो ही गया। लेकिन जो टीचर्स वगैरह से ही मेरी एक आध लोगों से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि 63,000 है। ओके सर, मतलब एएमयू का लखनऊ और और नियम का उधर सेम कितना? है? हाँ नहीं, अब एएमयू एनआईयूएम में आपकी 64 से स्टार्ट होगी और वो बढ़ती है, एएमयू में भी शायद बढ़ती ही है हर साल। जो जो लोग मतलब इस साल एडमिशन लेंगे एनआईयूएम में, 64 से स्टार्ट होकर वो 80+ जाएगा थर्ड ईयर तक। एएमयू में जो पहले से जिस डिपार्टमेंट में है उसमें तो 90+ है ना शायद? हाँ, उसमें 90+ है, बल्कि 1 लाख से अबव है। सर लखनऊ में लेकिन अदर जो अब नहीं, एएमयू एएमयू सर अगर मेरे को गायनी में लेना है तो मैं नियम गाजियाबाद या फिर एन दोनों में से क्या ऑप्ट क्या ऑप्ट करूं इसमें, बस करूँ? मतलब अगर एक मुझे दोनों में से आपका कौन सा बेस्ट इंटरनल, रहेगा गायनी? सर आपका मेरा इंटरनल, इंटरनल तो करोल बाग का है। अच्छा तो बेस्ट आपके लिए दो तीन चीजें हैं यहाँ पर। उसमें ये है कि एक तो देखो, करो एमयू में थोड़ा सा वो इंटरनल चलता है, अगर आप एमयू के होते तो वो कहीं ना कहीं सर उसका फायदा मिलता आगे भी, टीचिंग वगैरह में जाने का। एक जो जो सही बात है वो यही है कि आपको फायदा उसका मिलता, ठीक
ठीक है, बाकी ओके स्टडी ही करनी है तो उसमें ये है कि एमयू में भी गायनी काफ़ी अच्छा है, लेकिन एनआईयूएम अभी वहाँ पर है तो एनआईयूएम का गायनी और ज़्यादा उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ही है, लेकिन एमयू का भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बाकी जगह जितनी जगह गायनी है कुछ भी नहीं है, जैसे जी लखनऊ सर, वगैरह है या फिर और कहीं हो रहा है वहाँ पर कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे एमयू में ना होता है गायनी में। सर, जैसे ना कुछ तो लोगों का ये है कि आपको क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से फिर वहाँ पर आपको जाना चाहिए एनआईयूएम में, क्योंकि जब करोल बाग है वो कहना दिल्ली से भी आपका घर के शायद आसपास जी ही सर, होगा, जी सर तो फिर एनआईयूएम प्रेफर करना चाहिए, लेकिन अगर आप सर होते एमयू के ही होते तो मैं कहता एमयू ही लो। सर तो अभी अभी कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें सैचुरेशन नहीं है, मतलब कौन सा बेस्ट रहेगा सब्जेक्ट कौन सा गायनी के बेस्ट अलावा, रहेगा गायनी के अलावा? अभी? गायनी के अलावा क्या कहते हैं, सर्जरी है, आईबीटी है, डर्मा है, ये मतलब इस सर तरह के डर्मा इनमें में, ज्यादा सर भी सच। हाँ बोलो। सर डर्मा में कॉस्मेटोलॉजी में जा सकते हैं हम लोग यूनानी करके? जा तो मतलब ये है कि नहीं ही सकते, लेकिन करने वाले सब करते हैं, कर ही रहे हैं बहुत सारे यूनानी ओके वाले, वो है कि जो लोग डर्मा से करके गए, नहीं भी करके गए हैं डर्मा से, उसके अलावा भी वो लोग अपना सेटअप तो खोल ही देते हैं डर्मा का, बाकी अलाउ और नॉट ये नहीं अलाउ है वो एक अलग चीज होती है, करने वाले जो क्लिनिक कर रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे क्लिनिक्स कर रहे हैं कॉस्मेट के नाम से। सीट्स हैं जी या अनपेड भी रहेंगी? क्या चीज? गाजियाबाद में सीट कितने सारी को? पेड है सर या अनपेड भी हैं? हाँ हाँ पेड है, टोटल पेड है वहां पर। सर एएमयू की टोटल हो गई है पेड, मतलब स्टाइपेंड? हाँ हाँ टोटल मतलब ये मैं कंफर्म पूरा मतलब उम्मीद ये है कि 90% हो ही गई है, क्योंकि किसी टीचर्स ने में से ही मुझे किसी टीचर ने ही बोला कि हो गया है, अब जब तक अकाउंट में ना आ जाए तो मैं तो नहीं बोलूंगा कि हो गया है, लेकिन उम्मीद है कि हो गया है, क्योंकि सर बहुत अगर टाइम मैं से वो इतना सबमिट कर, ज्यादा चल रहा है, इतना ज्यादा हर साल ही चलता है और फिर नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा सा डाउटफुल रहती है चीजें। जैसे अगर मैं 240 पर एएमयू में जाती हूँ तो हो सकता है वहां पर? थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन हो सकता है अभी लोग बहुत सारे लोग डाउटफुल हैं कि आती है नहीं आती है, तो इसलिए उम्मीद है कि हो भी जाए। सर 145 पे सर मुआलजात मिल जाएगा गाजियाबाद या नियम में या अलीगढ़ या कहीं भी, या सर्जरी मुश्किल है थोड़ा सा, दोनों नहीं मिलेगा? मिलने को ट्राई करोगे मिल जाएगा, हो सकता है जी कुछ जी कैटेगरी है, हाँ EWS। मिल सकता है। ओके सर। सर मेरा रैंक 82 है सर, जी बोलिए। मेरा रैंक 82 है तो यहाँ मैं लखनऊ और मतलब स्टेट कोटा से ही प्रेफर कर रही हूँ, तो चांसेस हैं मिल जाएंगे हाँ आराम से मिलेगा। गायनी या सर्जरी? गायनी या सर्जरी? थोड़ा सा मतलब ये है कि 50-50 पे रहोगे, और सर बाकी तो दूसरे दोनों ही नहीं कराओ, सिर्फ स्टेट ही क्यों करना, ऑल इंडिया भी इससे भी ट्राई करो। सर, दोनों ही कराऊंगी अभी, ये गाजियाबाद हाँ और एनआईएम में, वहाँ बेंगलोर, यहाँ चांसेस हैं? गाजियाबाद तो मिल जाएगा, गाजियाबाद में 82 पर आपको गायनी या सर्जरी में से मिल जाएगा, बेंगलोर भी मिल जाएगा। अच्छा ठीक है सर। सर जैसे गाजियाबाद इस्लामाबाद में क्या में स्टार्टिंग स्टेट रहेगा, कोटा होटल लगेगा? जी, लखनऊ में क्या स्टार्टिंग रहेगा, गाजियाबाद में स्टेट कोटा लगेगा? नहीं, नहीं स्टेट कोटा नहीं रहेगा। सर लखनऊ का स्टाइपेंड क्या है? लखनऊ का स्टाइपेंड अभी 80+ चल रहा है कुछ। सर हाँ ओबीसी कोटा तो लगेगा ना गाजियाबाद में? हाँ लगना तो चाहिए, मेरे ख्याल से लगेगा ही, लेकिन कुछ ऐसा लिखा था, ओबीसी के बारे में तो नहीं लिखा है, EWS का लिखा था उसमें, लेकिन मुझे लगता है ओबीसी भी EWS भी आ ही जाएगा वहाँ पर भी, लेकिन अभी क्योंकि सीट मैट्रिक्स क्लियर नहीं है तो मैं कंफर्म उस पर भी नहीं कह पाऊंगा, ओबीसी तो होगा। सर सर सब्जेक्ट्स क्या, राजस्थान से हैं सब्जेक्ट लेना हो जी? सर, सब्जेक्ट्स कौन कौन सा प्रेफर करूँ सब्जेक्ट कौन जैसे? कौन से प्रीफर करूँ, उसके लिए तो ये है कि क्योंकि देखो हर किसी की चॉइस अलग होती है, तो जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे तो उस वक्त मुझसे बात कर लेना,
मैसेज कॉल कुछ भी कर ले, उस वक्त हम उस पर, क्योंकि पर्टिकुलरली एक एक के स्टूडेंट के सब्जेक्ट पर यहाँ पर तो नहीं बात कर सकते ना, तो वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ सर जैसे स्टडी पर्पस से रिलेटेड मतलब लोगों का कहना है कि NIM गाजियाबाद जो है वो न्यू है, मीन्स कि हमारी जो बैच होगी वो फर्स्ट बैच होगी, हाँ तो हाँ उतने अच्छे से उसमें मतलब पढ़ाई वगैरह नहीं होगी, तो ऐसा कुछ। ऐसा कुछ उसके अंदर देखो है ये कि मुझसे अगर पूछोगे तो उसके अंदर एक तो ये है कि जितने भी टीचर्स हैं वो ज्यादातर जो है वो NIUM के ही हैं, ठीक है, जो यहाँ से ही पढ़ कर गए हैं NIUM बैंगलोर से, तो तकरीबन वो सारी चीजें सेम ही रहेंगी जैसे यहाँ रहता है, बल्कि वहां पर और ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा क्योंकि वहां पर जो जो अभी डायरेक्टर है वो कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो वो शायद यहाँ से ज्यादा ही पढ़ाई करवा देंगे अगर वो ही रहे तो। और बाकी क्या कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो चीजें यहाँ पर होती हैं सेम वैसे ही वहां पर रहे, क्योंकि मेनली जो उन्होंने किया हुआ है जितने भी टीचर्स हैं जो वो यहाँ से कर कर गए हैं वही आप लोगों को कराएंगे, तो उसमें इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो चीजें सेम ही रहेंगी तकरीबन। सर चॉइस फिलिंग के लिए जैसे मतलब कि अगर हम लोग जो सब्जेक्ट पहले प्रीफर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर गायनिया सर्जरी पहले प्रीफर कर रहे हैं या फिर कॉलेज जो प्रीफर कर रहे हैं, वो राउंड हाँ वन मतलब राउंड वन में वो हम फिल कर दें और फिर जो सब्जेक्ट जो है वो सेकेंड टाइम के लिए, तो वो राउंड सेकेंड के लिए छोड़ दें, ऐसा हो सकता है? क्यों ही करना है ऐसा? अगर कहीं बाय द वे अगर कहीं जो फर्स्ट चॉइस हमारी थी वो नहीं देखे क्या, और अगर सेकंड चॉइस दे दिया तो वो तो अगर मिलने वाली होगी फर्स्ट चॉइस तो फर्स्ट ही मिलेगी, सेकंड मिलने वाली होगी तो सेकंड मिलेगी, तो आप बस सीक्वेंस को आपको, ऐसा नहीं हाँ होता कि सेकंड वाला है वो फर्स्ट में मिल जाए, ऐसा नहीं 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 होगा ना? नहीं नहीं वो जब तक आपकी रैंक के अकॉर्डिंग अगर आपने जो सीक्वेंस डाला है जो आपके लिए सीट खाली है वो मिलेगी आपको, ठीक है, अगर कोई भी सीट जो आपकी रैंक है उस पर वो सीट खाली है उस रैंक तक आपसे पहले वालों ने नहीं लिया है तो वो आपको ही मिलेगी, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, तो सारी ही चॉइस डालनी चाहिए, छोड़ना कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये है कि सीक्वेंस मैटर करता है। तो मे भी कहीं अगर ऐसा हो कि जैसे मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने NIUM गाजियाबाद का डाला जिसमें गायनी है, और AMU का डाला जिसमें गायनी भी डाला और मुआलजात भी डाला, तो हाँ हाँ कहीं ऐसा हो सकता है कि NIUM जो है वो मतलब गायनी ना मिल कर के और AMU मुआलजात मिल जाए? वो तुम्हारे सीक्वेंस पे मैटर करेगा कि तुमने अच्छा, किस सीक्वेंस में डाला है, ठीक है, तो जब वो करोगे तुम चॉइस फिलिंग तो मुझे एक बार दिखा देना, मैं बता दूंगा, ठीक है, और अपनी जो तुम्हारा इंटरेस्ट है फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस क्या है उसके अकॉर्डिंग उसको हम कर लेंगे, मैं बता दूंगा मैं। बाकी इसमें जो तुम्हें मिलने वाला है गायनी और मुआलजात का, तो अगर तुम मुआलजात डालोगे गायनी डालोगे दोनों चीज NIUM की फॉरन मिल जाएंगी, बस सीक्वेंस मैटर करेगा वो। ओके हाँ सर। जो ठीक है, राजस्थान और से बाकी हैं। AMU के गायनी डालोगे वो भी मिल जाएगा उस रैंक पर। हाँ हेलो सर। सर जो राजस्थान से हैं वो स्टेट कोटा तो उसमें लगेगा नहीं, तो फिर वो ऑल जो इंडिया कोटा, ऑल इंडिया कोटा सिर्फ? हाँ ऑल इंडिया कोटा, बाकी उसके अंदर जो स्टेट में अगर जाना है तो स्टेट की सीट्स जो होती हैं वो ऑल इंडिया में भी कुछ होती हैं, तो वो आप कर सकते हैं चॉइस फिलिंग में। ओके सर। हाँ सर स्टेफन पूरे 12 मंथ्स का आता है या इन बिटवीन हॉलीडेज में कट होता है सर स्टेफन? बिटवीन हॉलीडेज में कट होता है? नहीं ऐसा नहीं होता है, देखो इस स्टाइपेंड का होता है ये जो बैंगलोर NIUM वगैरह है वहां पर तो ऑन टाइम वो मंथली आता है, ठीक है, बाकी जो कॉलेजेस हैं AMU वगैरह ही मंथली रहता है, करोलबाग में भी शुरू में थोड़ा सा रुक के 2-3 महीने बाद से वो मंथली हो जाता है, बाकी यूपी वगैरह में जो, या पटना में वहाँ पर स्टार्टिंग में 4-6-7 महीने थोड़ा नहीं आता, फिर वो एक साथ आता है 6-7 महीने का, 3-4 महीने 3-4 महीने करके फिर वो आने लगता है, ठीक है। बाकी हॉलीडेज का जो ये रहता है कि अगर आपकी सीट छुट्टियाँ कितनी है, हर कॉलेज के अकॉर्डिंग छुट्टियाँ अलग अलग होती हैं कि आपको साल में कितनी छुट्टी मिलने वाली है, अगर उससे ज्यादा छुट्टी लेंगे तो कट होगा। NIU में गाजियाबाद में हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह है क्या? हाँ हॉस्टल फैसिलिटी है, हॉस्टल रहता है, ठीक है, बाकी जो फीस है वो यहाँ पर बैंगलोर में जो है आपकी फीस जो लगने वाली है वो 1,20,000 या फिर 1,25,000
20,000 तक लगेगा, जिसमें से 20,000 आपका ये होता है सिक्योरिटी मनी होता है। उसके अलावा उसमें हॉस्टल फीस इंक्लूड रहता है इसी के अंदर। फिर जो हर साल सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जो आपकी फीस होगी वो कुछ 70-80 तक होगी दोनों, ये क्या कहते हैं ट्यूशन फीस भी और ये हॉस्टल फीस दोनों मिलाकर। फर्स्ट ईयर में थोड़ा ज्यादा लगता है। सर लास्ट ईयर का पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया तो उसमें 88,000 कुछ मतलब हाँ कुछ समथिंग। इसके आसपास ही है दोनों मिलाकर, वो हॉस्टल और ट्यूशन फीस। ठीक है, बाकी जो अदर कॉलेजेस हैं उनके अंदर हॉस्टल्स तो एमयू में है, उसके अलावा हॉस्टल नहीं है। और फिर वहाँ पर अगर लेंगे भी हॉस्टल तो कुछ TA DA कुछ होता है वो कट जाता है। तो उसके जैसे कि यहाँ पर लखनऊ वगैरह में, करोल बाग में और इलाहाबाद पटना, इन सब की जो फीस है वो 5 से 10 हज़ार 12 हज़ार के बीच में टोटल फीस है ईयर की। और तो यहाँ पर एनआईएम ज़्यादा कुछ नहीं की लगना है। NIOM कितनी में है एक लखनऊ क्लास में? मैंने बताया ना, हॉस्टल मिल जाएगा लखनऊ वगैरह में? हॉस्टल तो मेरे ख्याल से नहीं, वो लोग सब लोग बाहर ही रहते हैं जहां तक मुझे पता है, मैं पूरे तौर पे कंफर्म नहीं हूँ। नहीं है सर, एसटीटी में पीजी के लिए हॉस्टल नहीं है। हाँ PG के लिए उसमें असल में होता ये है, जो NIOM में होता है वो स्टाइपेंड आता है। ठीक है, तो स्टाइपेंड से जो है हॉस्टल वगैरह का वो अलग से फीस लेते हैं। बाकी जो जितने भी कॉलेजेस हैं ज्यादातर तो वो हॉस्टल अगर आप लेंगे वहां पर मिलने को मिल जाएगा, लेकिन वो उसके अलावा सैलरी से वो कम से कम 20-25 हज़ार रुपये कुछ कट कर देते हैं। तो उतना कोई कट कराना नहीं चाहता है तो बाहर रहते हैं। फिर एनआईएम की हॉस्टल फी कितनी है? तो कुछ 30-30,000 तक, 30,000 तक है। ठीक है, उसमें मेस भी इंक्लूडेड है? नहीं मेस अलग रहता है, मंथली 3400, 3200 अभी फिर बड़ा है कुछ, 3400 सर हॉस्टल वो जो आप। एनआईएम का है वो 30,000 बोल रहे हैं आप? मतलब मंथली है मतलब हाँ हाँ ईयरली? मंथली वो, ईयरली ईयरली, ईयरली है सर? हाँ ईयरली। ठीक है, वो स्टाइपेंड से ही कट हो जाता है। सब तो जो चीजें मतलब एनआईएम बैंगलोर के लिए है सेम वही जो है वो गाजियाबाद के लिए होंगी? हाँ सेम ही रहेगा सब कुछ। सर मुझे ठीक एनआईएम नहीं मिल सकता? है, मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? अच्छा 240 है ना मेरी रैंक? हाँ तो मतलब उम्मीद रहेगी, लेकिन गाजियाबाद में थोड़ा सा कम चांस होगा, बैंगलोर वाला मिल जाएगा। और लेकिन यस ये है कि तुमने मुझे जनरल बोला है तो थोड़ा जी सा जी मतलब मैं भी वो हूँ जनरल की वजह से थोड़ा सा डाउटफुल है चीज़ें, लेकिन ये है कि 80-90% तुम्हें सीट मिल जाएगी कहीं भी, चाहे यूपी चाहे गाजियाबाद। अच्छा, क्योंकि सर मैं और यूपी में लखनऊ सोच रही हूँ और ये गाजियाबाद, इन दोनों में से ही मेरा रहेगा जिसे मिल सकता है मैं? हाँ लेकिन साथ में थोड़ा सा अपने वो उसको करके बैंगलोर भी साथ में रखो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, चाहे सबसे नीचे ही रख देना, वो तो फिर बाद की बात जी से लेना है नहीं लेना है, कम से कम सीट तो हाथ में आ जाए। अच्छा। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? सर हाँ बोलिए। सर गाजियाबाद सिक्सटी में एम पी मिल सकता है क्या? दोबारा से बोलिए। 60 रैंक पे सर एम यू मिल सकता है क्या? हाँ मिल सकता है बिल्कुल। सर डिपार्टमेंट्स मतलब कौन से डिपार्टमेंट्स डिपार्टमेंट में फिल कर सकते हैं? उम्मीद ये है कि ज्यादा, वैसे तो होता ये है कि देखो जितने भी AMU के स्टूडेंट्स हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा लेना, लेकिन होता ये है कि वहाँ पर जो इंटरनल और एक्सटर्नल चलता है, तो जो AMU के इंटरनल स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्सटर्नल से ज़्यादातर लेते हैं जिनकी अच्छी रैंक है। ठीक है, और फिर जो लेकिन बाद वाला तब भी क्या क्या कहते हैं जो इंटरनल वाले फिर बाद में लेते हैं, तो उसमें उम्मीद है कि कुछ नॉन क्लिनिकल पे ही ज़्यादा वो रहेगा, लेकिन हो सकता है क्लिनिकल भी मिल जाए, लेकिन मिल जाएगा। सर इसकी स्टाइपेंड कितनी होती है? स्टाइपेंड AMU में अभी जो नए डिपार्टमेंट्स आए हैं उसमें 63 है, वैसे जो जो पुराने डिपार्टमेंट चल रहे हैं तीन स्टाइपेंड वाले उनमें 1 लाख प्लस है। अच्छा, तो सर डर्मा हाँ बात किसमें आएगी? डर्मा 63, अच्छा लेकिन ये है कि अभी कंफर्म पूरे तौर पर कंफर्म खुद भी हो जाना कि आ ही रही है स्टाइपेंड, क्योंकि मैं अभी पूरे तौर पर नहीं कह पा रहा हूँ अभी तक। ओके सर।
सर गाजियाबाद में एडमिशन फी कितनी रहेगी? सेम ही रहेगा, 1,20,000 प्लस कुछ होगा, 25 तक हो जाए, मतलब उसमें 20,000 सिक्योरिटी मनी होगी, बाकी जो है एडमिशन वगैरह का सब कुछ मिला अच्छा, के, हॉस्टल उसमें वगैरह। मींस कि ये जो हम ऑल इंडिया वाला सिक्योरिटी मनी पेड करेंगे, उसके अलावा फिर वहां सिक्योरिटी मनी है? हाँ, यहाँ कॉलेज की अलग सिक्योरिटी फी है। तो लखनऊ और इलाहाबाद की फीस का क्या स्ट्रक्चर रहेगा? मैंने बताया 5,000 से कुछ 12-13 हज़ार के बीच में सारे कॉलेजेस, जितने भी तो अदर ये कॉलेजेस हैं सब इसी में आ जाएंगे। मंथली नहीं सर, ईयरली। ठीक है, चाहे वो करोल बाग हो, पटना हो, लखनऊ, इलाहाबाद, कोई भी कॉलेज हो, इतनी ही फीस है। नहीं सर, पटना का 15,49 हो गया है अभी। 49,000 हो गया। जी पिछले साल अच्छा 30,000 कुछ लगा था। अच्छा तो बड़ा अभी बढ़ाया हो, क्योंकि अभी जो 2 साल पहले का मुझे पता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह ने किया था तो कुछ 5-6 हज़ार ही फीस बताया था उन्होंने उस टाइम, हाँ दो उस साल टाइम पहले। था, हाँ 7 बस जब कर रहे थे उस टाइम था, हाँ हाँ ओके, हारिस तो बॉस फिर 7 बस। हाँ, उन लोगों का कुछ कम ही लगा हुआ था। जी ठीक है, तो 49 हुआ है तो वो अभी इंक्रीज हुआ होगा। जी ठीक, NIM बैंगलोर का 1,20,000 इंक्लूडिंग हॉस्टल फी है सर एडमिशन के लिए। हाँ, इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस। सर हॉस्टल फी, हॉस्टल अगर फी हॉस्टल चाहिए आपको नहीं लेना है तो वो कम हो जाएगा, कितना कम होगा सर? मैक्स 35। 30,000 तक। हाँ 30 तक कम होगा। ठीक है, तो सर बाकी बेंगलोर हाँ में तो बाहर फिर सर क्या रहता है उसका, मतलब रहने का, अगर मतलब एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है वो? अंदर भी क्वार्टर्स होते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं मिलते, 5-6 महीने एप्लीकेशन वगैरह देनी होती है, वरना फिर बाहर आपको रहना है तो बाहर रह सकते हैं। उसमें फ्लैट वगैरह मिल जाते हैं कुछ 6,000-7,000 मंथली पर। ठीक है, हेलो, सेकंड जी बताइए। थर्ड राउंड के बाद SBR राउंड 1 और SBR राउंड 2 क्या है काउंसलिंग शेड्यूल में? क्या है SPR राउंड 1? हाँ, तो जो वैकेंसी राउंड है ना, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद जो वैकेंसी बच जा रही है उनके लिए राउंड्स जो हाँ है, हाँ तो हाँ वो तो वो मुझे रहता है, मॉप अप राउंड वगैरह होते हैं वो, जो बस वो 1-2 सीट्स जो बचती हैं, तो उसमें होता ही है जिन लोगों ने काउंसलिंग कराई हुई है तो वो लोग उसमें होते हैं, जिन्होंने थर्ड राउंड तक रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, तो उसमें सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही रहता है कि मान लीजिए कि 300 रैंक तक एडमिशन मिला है, तो अब जब वो फाइनली देखेंगे कितनी सीट्स अब हमारे पास बची हैं, तो उसके बाद उन लोगों का रिजल्ट आएगा। तो जो बहुत सारे लोग होते हैं छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के ऊपर रहता है वो कि आपको क्या कहते हैं, जितनी सीट्स बचेंगी उसके बाद जिन लोगों की रैंक आई हुई है तो उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वो उन लोगों को सीट मिल जाएगी। ठीक है, हाँ सर? बोलिए। सर एज अ मतलब सेफ्टी पर्पस, मतलब गर्ल्स के लिए सही है, मतलब NIM बेंगलोर में कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा? नहीं, बहुत अच्छा है, ठीक है। जी सर। सर लखनऊ की पढ़ाई वगैरह सब सही रहेगा? स्टडी पढ़ाई तो देखो ज़्यादा इतना नहीं है और ना ही इतना माहौल है, बस ये है कि ठीक है, मतलब नहीं भी नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप NIUM से कंपेरिजन करेंगे तो इतना नहीं होता है, लेकिन और बाकी इतना ज़्यादा माहौल भी नहीं होता है, तो लेकिन बस ये है कि स्टाइपेंड ज़्यादा होती है और थोड़ी बहुत पढ़ाई, लेकिन ये है कि NIUM से कंपेयर करेंगे तो इतनी पढ़ाई नहीं है, लेकिन क्या ही चाहिए होता है। PG में मेनली आपको खुद ही पढ़ना होता है, टीचर्स तो NIUM में भी नहीं ही पढ़ाते हैं, बस ये कि थोड़ा बहुत गाइडेंस रहता है उनका, पढ़ना तो खुद ही होता है PG में आके। सर पढ़ाई के हिसाब से कौन से, मतलब कौन कौन से AMU है, नियम है, और कोई कॉलेज जो सही है? और मतलब ये ज्यादा तो ठीक जो है वो NIUM और AMU भी ठीक है, दोनों ही है, सर फर्स्ट राउंड बाकी में रैंक थोड़ा का बहुत क्लोज होता है? तो हर जगह ही चलता है। जी फर्स्ट राउंड कितने रैंक का क्लोज होता है? सर,
17 तारीख तक है ना शायद से चॉइस फिलिंग। रैंक रैंक पूछ का रहे मतलब हैं। कितने रैंक तक क्लोज होगा? अच्छा फर्स्ट राउंड इस बार देखते हैं, जो हर साल हो जाता है वो 110 115 तक फर्स्ट राउंड जाता है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि ज्यादा जाएगा क्योंकि सीट्स बड़ी हैं, तो हो सकता है 150 200 तक भी चला जाए। सर मुझे तो सर सेकंड राउंड में ही मिलने के चांसेस रहेंगे ना? हाँ, लेकिन चॉइस फिलिंग तो करिएगा, जी जी ठीक है। कुछ चॉइस फिल्म करूंगी। जी सर सीट मैट्रिक्स कब तक आएगी? आनी तो थी कल ही, देखते हैं अभी आज आ जाए तो। बाकी अगर नहीं भी सीट मैट्रिक्स आती है तो वो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, तो उससे भी पता चल जाएगा हमारे पास क्या क्या सीट्स अभी हैं। सीट मैट्रिक्स में होता क्या, मतलब कोई फॉर्म है क्या, मतलब उसको भरना रहता है? सीट मैट्रिक्स में होता ये है कि फॉर्म नहीं होता, उसके अंदर सारी सीट्स लिखी होती हैं। मान लीजिए कि एक डिपार्टमेंट है उसमें 6 सीटें हैं, ठीक है, तो कितनी सीटें आई हैं उसमें से, और कितनी सीटें ओबीसी को गई हैं, कितनी ईडब्ल्यूएस को गई हैं, कितनी एससी को गई हैं, और कितनी जनरल को हैं, सर ठीक है, उसमें वो मतलब ये होता है डिपार्टमेंट कि वाइज हो। मतलब हम हाँ कि मतलब कौन से डिपार्टमेंट हमें ट्राई करना चाहिए अपने रैंक के अकॉर्डिंग, ऐसे ही ना? हाँ, वो भी अंदाजा लग जाता है उससे। जी सर आगे के जो जॉब पर्पस से जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं उनमें आपने किस इंस्टीट्यूट से किया है, इस सब चीजों का असर पड़ता है? इसका असर देखो, इससे इतना ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पढ़ने को पड़ भी जाता है। जैसे कि जैसे अब तक हुआ करता था, मतलब अब तक तो बहुत पढ़ता था, उसकी वजह ये होती थी कि जैसे अब जो अब हम अपने टीचर्स को देखेंगे, पीजी तो पहले भी बहुत जगह होता था, क्या कहते हैं, निजामिया में होता था और भी कॉलेजेस थे, हैदराबाद में काफी टाइम से हो रहा है, लेकिन अभी भी जो हुआ करता है जो मैं देखता हूँ अब तक, वो ये है कि ज्यादातर आपको जो दिखाई देंगे टीचर्स या फिर फील्ड में जितने भी आरओ रिसर्च ऑफिसर्स ये सब जो दिखाई देंगे, वो क्या कहते हैं एमयू के और हमदर्द के होते हैं ज्यादातर। तो उसकी वजह जो मुझे दिखती है कि कहीं ना कहीं उसका असर बहरहाल पड़ता है कि आपने किस कॉलेज से। अब जो है अब ऐसा होने लगा है, इधर 3 4 सालों से ज्यादातर एनआईयू में दिखने लगा है, एनआईयू में अभी जल्दी ही पीजी स्टार्ट हुआ था, तो अब जो टीचर्स ज्यादातर उसमें एक्सपर्ट में होते हैं, एमयू या इन्हीं तीनों जगह के होते हैं ज्यादातर, हमदर्द या फिर एमयू और ये क्या कहते हैं एनआईयूएम के अब होने लगे हैं, तो अब एनआईयूएम भी अच्छा खासा दिखता है, तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है उसका। सर हाँ मैं मेरे रैंक के हिसाब से अगर NIUM करूंगी और AMU करूंगी, AMU में मुझे अगर नॉन क्लिनिकल मिल रहा है और अगर NIUM में मुझे क्लिनिकल मिल रहा है, तो सर मुझे किसको प्रीफर करना चाहिए? ये आप पर डिपेंड करता है कि अभी कितनी रैंक है आपके, 60 58 सर 58, तो उसमें वैसे तो देखो एमयू में नॉन क्लिनिकल में क्या लेना है, ये कुल्लियात और अदविया, हाँ सर मतलब सर कॉलेज के हिसाब कुल्लियात, से। हाँ एमयू में कुल्लियात और अदविया मिलेगा जो जिसकी स्टाइपेंड ज्यादा है, ठीक है, तो मतलब वो 1 लाख प्लस, तो फिर वहां पर वैसे तो नहीं ही मिलेगा, वो मुश्किल ही है काफी, और अगर मिलता भी है तो वही दो, उन दो डिपार्टमेंट पर आप जाएंगे, बाकी पर तो नहीं जाएंगे, और अगर बाकी पर जाएंगे तो वो इक्वल ही है, चाहे NIUM हो चाहे AMU हो, स्टाइपेंड भी तकरीबन सेम ही है और स्टडी भी तकरीबन थोड़ा 19 20 का फर्क रहता है। हाँ ओके सर। बाकी स्टाइपेंड की वजह से वहां पर जो फर्क, सर आपने हेलो क्या कहा, सर, आवाज कट गई थी सर वो गाजियाबाद बस का वो, स्टाइपेंड हाँ 42, बोलिए। सर गाजियाबाद का स्टाइपेंड 42+ DA दिखा रहा है फर्स्ट ईयर में, तो ये हाँ कितना हाँ हो हाँ सकता है मैक्सिमम? 64 से स्टार्ट होगा। अच्छा सर, कुछ लोग बोले थे सर डीए अलग अलग होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि डीए नहीं सिटी के नहीं हिसाब जो से डीए चेंज हो बैंगलोर जाए? में चल रहा है NIUM बैंगलोर जी में, जी हाँ होता है, वो सही बात कह रही हो, उसका थोड़ा जी सा वो स्टेट के हिसाब से थोड़ा चेंज होता है डी टी डी, तो मेरे लेकिन उम्मीद ये है कि बराबर ही रहेगा क्योंकि वो इसके इसके उसमें ही आता है ना, बैंगलोर के अंडर जी जी में जी ही है पूरा, नेशनल तो सेम इंस्टीट्यूट ही रहेगा। हाँ वो सेम ही मेरे ख्याल से पूरा रहेगा, 64 से स्टार्ट होगा, 3rd ईयर तक 80+ जाएगा। सर NIUM बैंगलोर और में कोई, मंथली हाँ कितने हॉलीडेज मिलते हैं सर, मंथली या मंथली ईयरली? संडे रहती है, सेकंड सैटरडे रहता है बस, बाकी सर उसके अलावा जो कुछ वैसी छुट्टियां आती हैं वो होती हैं।
तो सर ये जो संडे और सेकंड सैटरडे वाली छुट्टियां हैं वो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स और नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट दोनों को बराबर हाँ होती सबकी है? ही रहती है। यस यस सबको ही होती है। ओके सर ये अपने लीव्स कितने रहते हैं सर जो हम ले सकते हैं? अब जो है कम हो गई है, पहले जो अब तक थी वो टोटल NIU में सबसे ज्यादा थी, 60-60 छुट्टियां होती थी। बाकी जो अदर कॉलेजेस हैं उसमें कुछ 35-5 तक रहती हैं। अब जो है यहाँ पर भी 35 ही हो गई है, मिला जुला के टोटल छुट्टी आपकी पूरे साल की 35 है। तो सर एक साथ कितनी छुट्टियां ले सकते हैं हम लोग? एक साथ अगर आपने ML लिया, वैसे तो जो वेकेशन होता है, वेकेशन समर या विंटर में से 15 होती हैं, वो पूरी एक साथ होती हैं। उसके अलावा आपकी ML होती हैं वो 10 होती हैं, और 10 की 10 एक साथ आप ले सकते हैं, और CL होती हैं वो 7 ले सकते हैं एक साथ। ओके सर, बैंगलोर की सीएल कितनी है टोटल? अब जो है 10 हो गई है, 10 CL 10 ML। सर अगर मैं नॉन क्लिनिकल ब्रांच में जाती हूँ 240 रैंक पर, तो सर मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए, मेरे लिए कैसा ही होगा? वो जब चॉइस फिलिंग करोगे तो मुझे बता जी देना, तो मैं उसके अच्छा अकॉर्डिंग अच्छा फिर बताऊंगा। ठीक है। जी जी ठीक है ओके सर, थैंक यू सर। सर एकेडमिक्स वाइज सर दिल्ली करोल बाग का भी स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है क्या? हाँ इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो बस ये है कि वहां पर स्टाइपेंड सबसे ज्यादा है। सर कितने रैंक सिर्फ तक जाता है वो? इसी जी सर करोल सिर्फ बाग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग स्टाइपेंड है या फिर मतलब हर कॉलेज में ऐसा ही है कि अलग अलग डिपार्टमेंट और उनके स्टाइपेंड भी अलग हैं? नहीं, स्टाइपेंड तो कॉलेज के अकॉर्डिंग होता है, स्टाइपेंड सेम होता है हर डिपार्टमेंट का, बस कॉलेज में कितना, किस कॉलेज में कितना स्टाइपेंड है वो होता है अलग अलग, बाकी जितना भी है वो पूरे कॉलेज का सेम होगा। सर एक बार डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए प्रॉपरली, मतलब क्या क्या जरूरत पड़ेगी? डॉक्यूमेंट्स अभी तो रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं चाहिए, आपके एडमिशन के टाइम पर मैंने लिस्ट भेजी जी हुई है जी ना ग्रुप पे, मैं दोबारा से भेज दूंगा उस लिस्ट को, तो वो सारे अच्छा डॉक्यूमेंट सबको रेडी करने हैं। ठीक है, वो लिस्ट मैंने भेजी थी ग्रुप पे, मैं दोबारा से भेज दूंगा इंशाल्लाह। जी जी ठीक है सर। ठीक है, बस वो डॉक्यूमेंट्स, बाकी कहीं पर किसी को भी कभी भी दिक्कत आए गलती मत करिएगा, पूछ जरूर लीजिएगा। ठीक है, पूछिएगा सर जरूर। हाँ रजिस्ट्रेशन जो करेंगे वो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे करेंगे? न्यू कैंडिडेट किसी ने किया है रजिस्ट्रेशन अभी तक? किसने किया है? तो न्यू पे ही करना है। हाँ ठीक है, न्यू पे, वो न्यू पे ही होगा फिर मिलने, लेकिन उसमें रोल नंबर वगैरह वो सेम ही सब कुछ जो था वो डालना है। सर रजिस्ट्रेशन का टाइम मतलब कब तक है सर? वैसे तो आज का दिया है, लेकिन वो कर सकते हैं, जब तक चॉइस फिलिंग चलती है रजिस्ट्रेशन चलता रहता है, लेकिन कर लेना आज ही सब लोग, क्या हो सकता है कुछ चेंज भी हो जाती है, आज कर लो तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, बाकी कहीं पर किसी को कुछ भी दिक्कत हो फौरन पूछिएगा, और यहाँ पर जो लोग आने वाले हैं इधर बैंगलोर जो लोग आएंगे तो वो लोग बता दीजिएगा आने से पहले। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर कुछ भी होगा तो मैं हूँ यहाँ, बाकी अदर कॉलेजेस में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग बताइएगा, वहाँ पर भी कोई ना कोई होगा ही इंशाल्लाह, कुछ सारी चीज़ आराम से हो जाएगी। सर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट में जो लिखा हुआ है वो 10 सितंबर टू 16 सितंबर लिखा हुआ है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, अच्छा पूरा लिखा ही हुआ है, मैं वही कह रहा हूँ कि वो जब तक चॉइस फिलिंग चलती है वो जब तक रजिस्ट्रेशन चलता ही रहता है। ठीक है, तो सर कर हमारी सकते हैं बाद प्रेफरेंस में होनी भी। चाहिए स्टाइपेंड या फिर कॉलेज? बात तो क्या खैर चीज़ दोबारा बोलिए। सर, प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, हमारी स्टाइपेंड देखनी चाहिए या फिर कॉलेज? स्टाइपेंड या कॉलेज, देखो किस्मत की बात तो वो तो एक अलग चीज होती है, लेकिन प्रेफरेंस जो होनी चाहिए आपका आगे का, मैंने शुरू में ही बोला कि आपका आगे का प्लान क्या है, अगर आप क्लिनिक प्लान कर रहे हैं, आपको अपना सेटअप करना है, तो फिर आप स्टाइपेंड पे जाइए, और अगर आप एकेडमिक या फिर उस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं वो भी वो उसमें आपको जाने का है, तो फिर कहीं कॉलेज देखना चाहिए।
बाकी जॉब्स वगैरह तो अब इतनी कोई भी कितने भी अच्छे कॉलेज से कर लो, जॉब्स वगैरह तो यूनानी या बल्कि किसी भी फील्ड में नहीं ही है अब ज्यादा, तो वो एक अलग चीज है। सर तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो वो कार्ड के थ्रू करनी है या फिर यूपीआई पिन वगैरह के थ्रू हो सकता है? कार्ड के थ्रू ही ज्यादा होता है, बल्कि शायद अगर इस बार दिया हो यूपीआई का ऑप्शन तो उससे भी हो जाएगा, वैसे ज्यादातर कार्ड के थ्रू होता है वो। ओके सर। सर नियम में न्यू डिपार्टमेंट्स आने वाले थे ना? हाँ अभी नियम का तो कुछ पता ही नहीं है ना कौन कौन सी सीट्स आ रही है, वैसे नहीं आया है डिपार्टमेंट जहां तक मुझे लग रहा है। अगर वो एक बार पता चल जाए सीट्स वो दिख जाए तो फिर पता चल होगा, लेकिन ये है कि यहाँ पर स्टार्ट चीजें तो हुई तो है, मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए। न्यू डिपार्टमेंट तो नहीं आया है जहां तक मुझे लग रहा है, अगर आया तो पता चल जाएगा कल तक। जी तो ऐसा हो सकता है कि जैसे रजिस्ट्रेशन हम अभी कर लें और चॉइस फिलिंग जो है वो सीट मैट्रिक के आने के बाद करें, फिर हाँ हाँ कर सकते हो, 16 तारीख उसके लिए 17 तारीख तक कैसे आप मतलब कभी भी। प्रोसीजर कैसे करना होगा कि लॉग आउट कर देंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद? हाँ वो तो लॉग आउट खुद ही, और लॉग आउट करोगे नहीं भी करोगे ओपन रहेगा मोबाइल में। जहाँ से हम हाँ इसके छोड़े हुए होंगे फिर वहीं से स्टार्ट करने को आ जाता है। हाँ वो वहीं से आ जाता है, तो उसमें कोई उसका इंतजार भी क्यों करना है आपको, जब वो जो सीट मैट्रिक्स में जो चीजें दिखने वाली हैं, सीट मैट्रिक्स में जो चीजें आपको दिखेंगी वही आपकी चॉइस फिलिंग है, वही आप फिल कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते, तो वो उससे भी समझ में आ जाएगा आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है हाँ ठीक है, तो एंड करें, कोई और डाउट तो नहीं है किसी का? सर एक बार बता दीजिए सर, मुझे मिल तो जाएगी ना, चाहे नॉन क्लिनिकल या क्लिनिकल कुछ भी मिले, मतलब सीट मिल जाएगी गवर्नमेंट में? उम्मीद है कि मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को और ब्रॉड करो, कॉलेजेस थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि तुम्हारा थोड़ा सा जनरल का मैटर है, ऐसे उम्मीद है कि यूपी में भी मिल जाना चाहिए। ठीक ओके सर है जी।